चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अन एकेडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अन एकेडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अभी तक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म इंडिया में ना हुआ है, ना तो होने की कोई संभावना है, क्योंकि जिस प्रकार से अन एकेडमी एक बहुत तेज़ी के साथ, रिजल्ट ओरिएंटेड के साथ अपने स्टूडेंटों को रिजल्ट दे रही है पिछले 3-4 सालों से, अभी इस प्रकार से कोई सेंटर अभी उपलब्ध भारत में तो नहीं है, आप अभी कह सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म भी बन चुका है। दूसरी बात यह है, इसकी कुछ प्रमुख विशेषता है। अब अगर हम इसकी प्रमुख विशेषता के विषय में बात करें, तो आप जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि डेली लाइव क्लासेस होता है। डेली क्या होता है? लाइव क्लासेस होता है, और एजुकेटर के साथ आप अपने डाउट और डिस्कशन कर सकते हैं, और चैट पोल हमेशा क्या होता है? खुला होता है। तो इसकी प्रमुख विशेषता में से एक विशेषता है डेली लाइव क्लासेस। दूसरी विशेषता जो इसकी है कि लाइव टेस्ट क्विजेस कराए जाते हैं। अर्थात अब आपको पता ही होगा कि अगर किसी स्टूडेंट को अपने टेस्ट में एक्यूरेसी बढ़ानी है, तो मुझे लगता है कि वह कहीं अन्य जगह जाने से बेहतर है कि अन एकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले, और यहाँ पर मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ क्लासेस चलता है। अगर आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिए, तो आपको दोबारा फीस देने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि आपकी एक्यूरेसी पूर्णतः जो है कि इनक्रीज हो जाती है, आप टेस्ट क्वालिफाई करने लग जाते हैं। और तीसरी, अगर मैं बात करूं, अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब क्या होता है? यदि कोई स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन लेता है, तो वो लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो कभी भी वो देख सकता है इन लाइफ इन फ्यूचर। ठीक है ना। और फोर्थ नंबर का जो विशेषता है, स्ट्रक्चर कोर्स। स्ट्रक्चर कोर्स का मतलब ये होता है, सपोज दैट, मानिए आप यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लिए, तो यूपीएससी का एक सिलेबस होता है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग टू ही पढ़ाया जाता है, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है। जो आपके सिलेबस में मेंशन होगा, प्री डिफाइंड, वो डेट बाय डेट क्लियर कर दी जाएगी, कौन से डेट को क्या चलेगा और कितने डेट को ये कोर्स ख़त्म हो रहा है, पूरा इसका एक समय सीमा निर्धारित की जाती है। यही होता है स्ट्रक्चरल कोर्स, भी डिजाइन किया गया, इसकी प्रमुख विशेषता ये होती है। आइए हम लोग बात करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अन एकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कैसे करें? तो आप कुछ नहीं, आप प्ले स्टोर से जा करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूँगा। मेरा नाम श्रवण कुमार है, 8 साल का एक्सपीरियंस, मास्टर डिग्री विद इकोनॉमिक्स, और 2 टाइम इंटरव्यू, और डायनेमिक अप्रोच के साथ रखकर मैं पढ़ाता हूँ। और मेरा टेलीग्राम जो लिंक है, वो है unacademy@shravankumar, unacademy@shravankumar। ठीक है, तो आप यहाँ से सभी लोग जुड़ सकते हैं, यहाँ से पीडीएफ वगैरह आप लोगों को अवेलेबल कराई जाएगी। ठीक है ना, क्लियर। आई जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 100+ टॉप एजुकेटर, 100+ टॉप एजुकेटर अन एकेडमी पर हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, तो आपको इन टीचरों से पढ़ने का एक अवसर प्राप्त हो जाएगा। जैसे आपने रोमन सैनी सर का नाम सुना होगा, जैसे आपने मुन्ना सर का नाम सुना होगा, जैसे मुदित सर का भी आपने नाम सुना होगा। ठीक है, इस प्रकार से अन्य नाम भी हैं जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं कुछ सब्सक्रिप्शन पेज पे, हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आप देखिए, प्लस प्लस का एक सब्सक्रिप्शन है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप आइकॉनिक वाले लीजिए। इसमें जो है कि स्टूडेंट को देखते हुए, जो ग्रामीण एरिया में लोग हैं, बहुत दूर से नहीं आ सकते हैं, या फिर उनके पास कम फीस है, वो पूरा 5 साल 6 साल की तैयारी नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में अन एकेडमी ने एक बेहतर सब्सक्रिप्शन के साथ में, फी स्ट्रक्चर के साथ में एक बढ़िया सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे 1 महीने का अब आप कोर्स लेते हैं, तो 9,000 रुपये इसको फीस देना पड़ेगा, अर्थात 9,000 सब्सक्रिप्शन, और 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फी है 22,500 रुपये, और 6 महीने का सब्सक्रिप्शन फी है 40,500 रुपये, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन फी 49,500 रुपये, 24 महीने का 72,000,
और 36 महीने का 90,000 रुपये। इसी प्रकार से यदि मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं SK@12, यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कितने प्रतिशत का डिस्काउंट मिल जाएगा? 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, अर्थात 1 महीने की जो फी होगी अब 8,100 रुपये, और 3 महीने की जो होगी वो 20,250, और 6 महीने की जो होगा वो 36,450, 12 महीने का 44,550, और 24 महीने का 64,800, और 36 महीने का 81,000 रुपये। ठीक है, अर्थात अब आप 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, फी जो है कि कम हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। मैं आइकॉनिक वाले पर आप लोगों को सलाह देता हूँ कि आप अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आइकॉनिक का लीजिए। इसमें दो लाभ है। पहला लाभ, लाभ इसके दो हैं। पहला लाभ, पूरा अन अकेडमी की टीम जितने मेंबर हैं, मेंबर वो सब लोग आपको सपोर्ट करते हैं, सब लोग आपको सपोर्ट करते हैं, चाहे वो PDF से रिलेटेड हो, चाहे अन्य सूचनाओं आप तक पहुंचाना है, वो सारी सूचनाएं आप तक पहुंचाते हैं। तीसरी बात है, दूसरा लाभ जो है वो दूसरा लाभ ये है, आपको एजुकेटर मिलते हैं। आप अपने मुताबिक किसी भी एजुकेटर को सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अंत तक अर्थात सिलेक्शन तक आपका पूरा साथ दे। तो यहाँ पर आइकॉनिक वाले पर ये आपको लाभ मिल सकता है। और आइए फीस की विषय में हम लोग बात करते हैं। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन फी जो है 69,500 रुपये, देखो बहुत सामान्य से फीस है, और 24 महीने का जो फीस है 1,07,000 रुपये, और वहीं पे 36 महीने का जो फीस है 1,41,000 रुपये। लेकिन अगर मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं SK@12, तो आपको मिलता है 10% का डिस्काउंट, अर्थात वो डिस्काउंट मिलेगा तो वही 12 महीने की जो फी होगी वो 62,550 हो जाएगी, और 24 महीने का 96,300, और 36 महीने का 1,26,900 फी हो जाएगी इसकी। ठीक है, चलिए हम देखो, अन अकेडमी कुछ ऑप्शनल कोर्स भी प्रोवाइड करता है, और ऑप्शनल के लिए कुछ सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। आप अगर लेना चाहते हैं तो अन अकेडमी में डायरेक्ट संपर्क करके आप वहां से ले सकते हैं। यदि मेरा रेफर कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे ऑप्शनल में 1 महीने की जो फीस है ऑप्शनल की 5,000 रुपये, 6 महीने की 22,500, 12 महीने की 27,500, 24 महीने का 40,000, और 36 महीने का 50,000। यदि मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं SK@12, तो SK@12 तो आपको जो है कि 1 महीने का 4,500 अर्थात 4,500, 6 महीने का 20,250, 12 महीने का 24,750, और 24 महीने का 36,000, और 36 महीने का 45,000। कितना बेहतर ऑप्शन आपको प्रोवाइड हो रहा है। देखो, अगर आप सिंगल कहीं करते हैं एक ऑप्शनल की, एक 6-7 महीने में कंप्लीट, उसका ही 50,000 रुपये ले लोगे। यहाँ पे तो 3 साल आपको जुड़ना है, 3 साल का 45,000 रुपये, सोचो कितना बेनिफिट आपको मिल रहा है। ठीक है, तो आप लेट मत करिएगा, और सभी लोग जो है कि एडमिशन लें, सब्सक्रिप्शन लें। फिर आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने सिलेबस की तरफ। चलिए, बाकी आप लोग जानते हैं कॉन्टेक्स्ट फॉर्मेट, 45 मिनट क्वेश्चंस, कॉम्पैक्ट, 6 सेक्शंस, रिलेटिव स्टीमिंग, ठीक, ये सारी उसकी विशेषता है। 1 रैंक 2 रैंक 3 रैंक, ठीक है, 6 मंथ में रिमेनिंग आपका UPSC, अब बचा हुआ है 6 महीने, तो आप लोग ये तैयारी कर सकते हैं आसानी से। देखो, UPSC CSC प्री कम्स मेंस कोड हमारा SK@12 का आप इस्तेमाल करें, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कितने परसेंट का? 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए हम लोग अब बात करते हैं, सबका सपना यही है UPSC अर्थात IAS निकालना। अब यहाँ पर दिया गया आपका लक्ष्य, हमारा प्रयास, तो आपका लक्ष्य होना चाहिए, हमारा प्रयास होना चाहिए, हमारा मतलब अन एकेडमी का प्रयास होना चाहिए। ठीक है, प्री कम्स में सिलेबस दिया हुआ है। चलिए आज हम लोग बात करते हैं, अपवाह तंत्र में हम लोग बात कर रहे थे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र। ध्यान से समझिएगा आप लोग, ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। जैसा कि हमने ब्रह्मपुत्र नदियों के विषय में जब हमने आपको बताया था, तो हमने बताया था आपको कि तिब्बत के मानसरोवर चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तो स्वाभाविक बात है वो सारे पैटर्न यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन कुछ जो बीच की सूचनाएं हैं उसको आप लोग नोट करिएगा, और साथ साथ मैं नोट कराने का पूरा प्रयास करूंगा।
एक बार आप लोग मैप बना लीजिएगा, फिर साथ साथ हम लोग नोट करते हुए चलेंगे। जैसे मान लो मैं इधर से थोड़ा सा पार्ट ले रहा हूँ, ये मान लो कि मैंने कहा कि ये मान लो हिमालय पैरेलल चल रहा है, और यहाँ आकर के एक पीक है, और क्योंकि मैं इधर से ले रहा हूँ तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। मैं यहाँ पे बांग्लादेश इधर दिखा दूंगा, बांग्लादेश मान लिया हमने, ये है बांग्लादेश, ठीक है। और ये हमारा है एक ग्लेशियर है, मैंने ऐसा मान लिया, ये मान लो ग्लेशियर है, साथ साथ नोट करते चलिएगा सभी लोग। इसको हमने मान लिया मानसरोवर, मान सरोवर, ठीक है। और यहाँ पे एक ग्लेशियर है मानसरोवर के पास में, जिसका नाम है चेमा युंग डुंग, ठीक है। मानसरोवर के पास एक्चुअल में ये कहाँ है तो आप बताइएगा सर, तिब्बत में है। कहाँ है बच्चे? तिब्बत में है। यहाँ से एक नदी पूर्व की तरफ हिमालय के साथ साथ पूर्व की तरफ प्रभावित होती है, जरा ध्यान से समझे आप। और आ करके यहां से इस पॉइंट से एक पीक है जिसका नाम है नामचा बरवा, ठीक है। नामचा बरवा ये अरुणाचल प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में। यहां से वो भारत में प्रवेश करती है, लेकिन अब यहां पे कुछ कंडीशन देखिए जरा ध्यान से। यहां पर जो तिब्बत में मानसरोवर, तिब्बत में ये ब्रह्मपुत्र को, इसको कहा जाता है सांगपो, ध्यान रखिएगा सांगपो कहा जाता है, या कभी कभी यारलुंग सांगपो भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसी नदी के किनारे पर यहां पर तिब्बत की राजधानी, मैं लिख देता हूं ऊपर, तिब्बत की राजधानी क्या है भैया? ल्हासा, नाम याद रखिएगा, ल्हासा बसा हुआ है, ठीक है। और ध्यान से समझे इसको, यहां से जब वो प्रवेश करती है नदी, ठीक है, तो यहां पर जहां से प्रवेश करती है यहां पर एक दर्रा है, मैं दर्रे का नाम लिख देता हूं आप लोगों को, यहीं पे कोने बना लीजिएगा, एक दर्रा है जिसका नाम है यांग याप दर्रा। एक्चुअल में इसी दर्रे से होकर के वो इंटर करती है भारत में। अब आप समझिए जरा, यहां से वो भारत में इंटर करती है, ध्यान से समझे इस बात को, ठीक है। और यहां आते आते ये जब इसका अरुणाचल प्रदेश का जब एरिया क्रॉस करता है, तो यहां से दो धाराओं में बढ़ जाता है, और फिर आकर के दोनों धाराएं आपस में इधर मिल जाती हैं, और बीच में ये कहा गया माजुली द्वीप। क्या कहा गया? माजुली द्वीप। ये द्वीप एक्चुअल में है कहाँ? तो असम में, ध्यान से समझे। तो दिस इज द पार्ट ऑफ असम, यहां से लेकर के और आगे तक चलती है, ठीक है ना। अब आप समझिएगा जरा ध्यान से, यहां पर यह नदी एक रैंप घाटी का निर्माण करती है, यहीं पर नदी जो है कि रैंप घाटी का निर्माण करती है। यहां पर मैं लिख देता हूं रैंप घाटी का निर्माण करती है, और ये जो भाग है वो अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश की दो नदियां आकर के किस में मिलती हैं? इस नदी में आकर के मिलती हैं। एक नदी का नाम ध्यान से समझिएगा जरा, एक नदी का नाम मैं दोनों को यहां लिखता हूं, ये दो नदियां मिलती हैं, यहां पे मैं ले लेता हूं, एक नदी का नाम लोहित, लोहित, और दूसरे नदी का नाम है दिबांग, दिबांग। दिबांग जो है कि सिमसी पहाड़ी से निकलती है, या सिमसी बोलते हैं, मिसमी बोलते हैं इसको, कभी लिख लो, मिसमी पहाड़ी से निकलती है,
और वहीं पे लोहित नदी जो होती है, एक ग्लेशियर यहाँ पर है, एक ग्लेशियर का उसका नाम है जयालु, ज या लहू कहा जाता है इसको, जहालियो, ठीक है, ये ग्लेशियर है। अब आप सुनिए, यहाँ से जब निकलती है वो, तो जब असम में यहाँ से प्रवेश कर जाती है, पूरा पार्ट में असम में जब प्रवेश कर जाती है, तो असम में इसको कहा गया है ब्रह्म पुत्र कहा गया है। लेकिन यहाँ पर वही नदी जो है कि दिबांग या दिहांग के नाम से जाना जाता है, दिहांग के नाम से जाना जाता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और यहाँ पे आती असम में, तो इसको कहा गया है ब्रह्मपुत्र। मैं यहाँ लिख देता हूँ, असम में इसको क्या कहा गया है, ब्रह्मपुत्र कहा गया है असम में, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा गया, ठीक है ना। जब ये आगे बढ़ती है, तो ध्यान में रखिएगा, यहीं पर एक नदी और आकर के मिलती है, जिस नदी का नाम है कपिली नदी, कपिली नदी। और एक नदी यहाँ से और आकर के इसमें मिलती है, इस नदी का नाम है, यहाँ लिखता हूँ धनश्री। और धनश्री जो है कि ये कहाँ से निकलती है, लेसांग, लेसांग चोटी से निकलती है, ठीक है, ये जो है कि नागालैंड में है, ध्यान रखिएगा, ये कहाँ है, नागालैंड में है कपिली, यहीं पे जो है कि असम में पड़ता है, यहीं पे सुरमा घाटी भी है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो है कि एक माउंटेन है, यहाँ पर जो है कि एक माउंटेन है, माउंटेन का नाम है माउंटेन जेपोव, क्या नाम है, जेपोव, ये ग्लेशियर भी यहाँ पाया जाता है, ये भी नागालैंड में है, ठीक है। माउंट जैसे भी ग्लेशियर का नाम ही मान लीजिएगा, माउंट जैसो भी ग्लेशियर का नाम ही होता है, ठीक है, यहाँ से निकलती है। और यहाँ से मणिपुर वाला क्षेत्र है, और यहाँ से जो है कि एक सुरमा घाटी होते हुए एक जो है कि नदी आती है, सुरमा घाटी होती है बांग्लादेश में, पहले यहाँ तक मैं छोड़ दिया हूँ। अब देखो यहाँ पर जरा, यहाँ से ये नदी आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे धुबरी है, क्या है, धुबरी, और धुबरी के पास से होकर के यहाँ जब आती है, तो गारो पहाड़ियाँ से मुड़ करके, यहाँ पे गारो पहाड़ी है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे गारो पहाड़ी है, गारो पहाड़ी, गारो पहाड़ी से मुड़कर, और जब यहाँ पे आती है, तो गोलापार, यहाँ पे है गोलापार, मैं लिख देता हूँ, गोला पार के पास क्या करती है वो, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, क्या करती है वो, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, यहाँ लिख देता हूँ, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। दो बातें समझ में आ गई आपको, अब आइए समझे जरा ध्यान से। देखिए यहाँ पे असम में एक और छोटी सी नदी आकर के मिलती है, माजुली द्वीप में एक्चुअल मिलती है, मैं यहाँ से लेके चलता हूँ, ये माजुली द्वीप में आकर के मिलती है, यहाँ पर इस नदी का नाम है रंगा, ठीक है। और माजुली द्वीप में यहाँ से मिलती हिमालयन नदी है, हिमालयन नदी है, जिसका नाम है सुबानश्री, सुबान श्री नाम बोलते हैं इसको, सुबानश्री, ये भी नदी हिमालय से निकल करके आ करके इसमें जो है कि मिल जाती है। आइए जरा यहाँ पे जो है कि मानस है, यहाँ पर जो है मानस, मानस नदी लगभग, ये भी मानस जो नदी है, ये भी हिमालय की नदी है, और आ करके यहाँ से निकलती है असम वाले क्षेत्रों में, ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि सिक्किम वाला क्षेत्र है, ये किसका है, सिक्किम, सिक्किम वाले क्षेत्र में एक ग्लेशियर है, जिसका नाम है जेमू ग्लेशियर, और जेमू ग्लेशियर से एक नदी निकलती है और आ करके बांग्लादेश में क्या करती है, इस नदी से मिल जाती है। ध्यान रहे, यहाँ पे जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो इसका नाम पड़ जाता है जमुना, और ये नदी जो आ रही है,
ये है तीस्ता नदी, नोट करते चलिएगा। और तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है रंगोत ग्लेशियर है, रंगोत ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रंगीत। क्या नाम है? रंगीत नदी, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जेमू ग्लेशियर है, ठीक है, जेमू ग्लेशियर है, जेमू ग्लेशियर से निकलती है। एक झील भी वहाँ पे है जिसका नाम है चलामू झील, यहीं पे एक झील भी पड़ता है, लिख लीजिएगा आप लोग, चलामू झील, चलामू झील भी है, क्लियर। अब आइए देखिए जरा, यहाँ पे जमुना और यहाँ पे तीस्ता, और दोनों मिलती हैं तो जमुना और तीस्ता का मिलन होता है, तो दोनों की संयुक्त धारा जो बनती है वो जमुना बनती है। दोनों के संयुक्त धारा क्या कहलाती है? जमुना कहलाती है। एक चीज और नोट करिए, यहां से गंगा नदी आती है, और गंगा नदी आती है तो ये आगे जो प्रभावित होती है वो जमुना के नाम से, और यहां से गंगा। और गंगा बांग्लादेश में इसे गंगा को क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद्मा। तो यहां पर पद्मा और जमुना का मिलन हो गया, जमुना और पद्मा का, दोनों की संयुक्त धारा क्या कहलाई? पद्मा कहलाई। क्या कहलाई? पद्मा। और आज सुनिए जरा ध्यान से, यहां से मणिपुर में एक नदी निकलती है, मणिपुर से ही आती है, एक नदी आती है जिसका नाम है मेघना या बाराक नदी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मेघना या बारात। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मेघना या बारात। यही मणिपुर से निकल के आती है और आ करके इसी पद्मा में क्या करती है? मिल जाती है। तो यहां पर लिख लीजिएगा पद्मा और मेघना का जब मिलन होता है तो इसके संयुक्त धारा को, संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? मेघना कहा जाता है। मेघना अर्थात गंगा का अंतिम नाम भी क्या है? गंगा का अंतिम नाम भी मेघना है। तो यहां से जो कि निकलती है बाराक या मेघना, मणिपुर से है, ध्यान रखिएगा मणिपुर से है। तो ये पूरा का पूरा हमारा किसका हो गया? ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। तो सभी लोग एक बार प्लीज इसमें जो है कि आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इस पे लिखवा देता हूँ मैं आप लोगों को आराम से, फिर आप लोग साथ साथ इसमें लिखते चलिए, ठीक है। साथ साथ आप लोग क्या करिए? लिखते चलिए, इसको हम लिखवा देते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया तो मुझे बताओ सभी लोग एक बार, क्लियर हो गया तो मुझे एक बार बताओ प्लीज, क्लियर हो चुका है? चलिए हो गया, अब हम लोग आगे चलें, चले हम लोग आगे चलते हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे चलेंगे। चलो अब लिखना शुरू कर देते हैं हम लोग हैं, तो हमें लगता है कि क्लियर हो चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा, बट टाइम देख लेते हैं, ठीक है, क्लियर हो चुका होगा, काफी टाइम हो गया। चलिए आइए हम लोग चलते हैं आगे। अब नोट करके आप लोग लिखें, अब क्या करना है सभी लोगों को? नोट करके लिखते चलना है, नोट करके। देखिए ब्रह्मपुत्र तंत्र क्या लिखना है? ब्रह्मपुत्र तंत्र, क्लियर, या अपवाह तंत्र भी बोल सकते हैं, अपवाह तंत्र, ठीक है। जो लाइनें मैं समझाया हूं उसी लाइनों को आप डायरेक्ट जो है कि लिखते चलिए सभी लोग, अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। पहली बात हम लोग लिखते हैं ब्रह्मपुत्र बेसिन अर्थात नदी चार देशों से होकर प्रवाहित होती हैं, ये मान लो हिमालय का पार्ट था, और यहां से इंटर की, ये पूरा का पूरा हिमालय का पार्ट था, यहां से इंटर की और यहां से इंडिया में आई, ठीक है, इंडिया में, और फिर इंडिया से होकर के बांग्लादेश और भूटान होते हुए अंदर, ठीक है ना, ये भूटान का भी एरिया लग जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कहां कहां से? पहला चीन, दूसरा
भूटान, और तीसरा भारत, और चौथा बांग्लादेश। क्लियर हो गया? में फैला है, में फैला है। क्लियर हो गया? तो यहां से जो है कि अगर किसका बेसिन जो है कि अगर देखा जाए, ब्रह्मपुत्र का बेसिन जो पूरा एरिया है, ये चार देशों से होकर के प्रभावित होती है, अर्थात चार देशों में है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, चार देशों में है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। इसका बेसिन जो एरिया है भूटान में, और जबकि भूटान में से प्रभावित नहीं होती, ध्यान में रखिएगा, ये भूटान से प्रभावित नहीं होती। अगर प्रभावित में लिखना है तो आप तीन में लिख सकते हैं, लेकिन अगर बेसिन अगर इसका बताना है तो चार, प्रभावित जो है कि तीन में, एक चीन, भारत, बांग्लादेश। अगर प्रभावित की बात करेंगे तो तीन में ही सिर्फ होगा, क्योंकि इसका बेसिन जो एरिया लगा होगा वो चार में होगा, भूटान में भी होगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, प्रभावित जो है कि 300 होती है, लेकिन इसका बेसिन जो है कि चार देशों से होकर के होती है। ठीक है ना, क्लियर। आगे चलें, चीन, ध्यान से समझते चलें। चीन अर्थात तिब्बत, तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है? तो अभी हमने बताया शांगपो, इसका एक दूसरा नाम है, सांगपो ही कहा जाता है, यारलुंग भी हमने बताया था, कहा जाता है तथा, या लिख दो, या यारलुंग भी लिख लो, यारलुंग जंगओ भी कहा जाता है इसको। नाम याद रखिएगा, जंगओ, यारलुंग, सांगपो कहा जाता है। ठीक ना, आगे चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से, या दिहांग की संज्ञा दी जाती है, शुद्ध हिंदी लिख लें, संज्ञा दी जाती है। क्लियर। और भारत में यह, भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम राज्यों में फैला है। यहां तक सबको क्लियर हो गया? बिल्कुल, मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे हम लोग चलते हैं, जरा ध्यान से देखते चलें आप सभी लोग। यह नदी तिब्बत में सांगपो या सांपू, देखो, मानसरोवर झील से, झील के निकट, ऐसे लिखिएगा, निकट चेमायुंगडोंग ग्लेशियर से निकलती है। क्लियर। और यह गंगा में मिलने वाली नदियों में सबसे बड़ी है, क्योंकि हमने बताया था 2880 किलोमीटर, जो कि मैंने नदियों में लिखवा दिया था इसको। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? बहुत अच्छी बात है, सभी लोग कॉन्फिडेंस बनाए रखें, क्योंकि जितना हो सकता है शेयर करें, लाइक करें, जोड़ें, भेजें, सबके पास शेयर करें प्लीज़, है ना। आगे चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन
मानसरोवर झील में मरियन ला देख लिया ध्यान से, दर्रे द्वारा पृथक है। अपने उत्पत्ति स्थान से पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है, बहती हुई आप कह सकते हैं कि 1100 किलोमीटर तक मुख्य हिमालय श्रेणी के समानांतर बहती है। तो ये हिमालय हमने बताया था, ये हिमालय है और हिमालय के समानांतर क्या होती है, बहती है इस तरीके से, और आकर के हिमालय के नामचा वर्मा से जो है कि इंटर कर जाती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। इसके बाद यह दक्षिण मतलब नीचे इंटर दक्षिण की ओर तीव्र मोड़, ध्यान रखिएगा तीव्र मोड़ बनाते हुए नामचा वर्मा के निकट भारत में प्रवेश करती है। यहां तक क्लियर हो गया सबको? मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा, तो प्लीज इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें यार सभी लोग। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखते हैं। नामचा वर्मा, समझ रहे नामचा वर्मा कहाँ है ना, जहां से वो इंटर करती है भारत में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश भी हमने बता चुका हूँ, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नामचा वर्मा के निकट हिमालय को काटकर एक गहरा कैनियन का निर्माण करती है। ठीक है, तो हमने बताया था कि यहां पर मान लो नामचा वर्मा है, तो यहां से इंटर की, तो जहां से तेज गति में अगर आएगा तो यहां पर अगर पानी गिरेगा तो कैनियन बन जाएगा। कैसा, वी आकार का क्या बन जाता है, कैनियन बन जाता है, और यहां से जो है कि एक बहुत बड़ा कैनियन बन जाता है गड्ढे टाइप, और यहां से वो प्रवेश करके भारत में तेजी के साथ आती है। तो गति तेज होती है, जब गिरेगी तो स्वाभाविक बात है कि कैनियन का रूप ले लेता है यहां पे। ठीक है ना, ज्ञात यह है कि भारत में प्रवेश होने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी अपने प्रवाह में तीव्र मोड़ यू आकार का, यू टर्न लिखिएगा, यू टर्न लेती है। क्लियर, जिसका भूवैज्ञानिक कारण तरुण हिमालय। ध्यान रखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में 2011 में, तरुण हिमालय, आप समझ रहे हैं तरुण यंग की अवस्था में। ठीक है, का संघीय नमन। ठीक है, इसका मतलब जब आएगी तो तेजी के साथ अपनी गति को लेकर के आएगी, यू टर्न का आकार बनाती है और हिमालय को क्या करती है, काटते हुए, वो क्या करती है, काटते हुए क्या करती है,
प्रवेश, नमन मतलब क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है, क्लियर। अक्ष संघीय नमन, ठीक है, अक्ष बनाते हुए एक संघ के रूप में, संघी रूप में अक्ष बनाते हुए नमन कर जाती, इंटर कर जाती है। देखो कितना बढ़िया यूपीएससी ने क्या घुमा के क्वेश्चन किया हुआ है ना, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा इस प्रकार से शब्द भी आते हैं जो मैं लिखवाए। यूपीएससी 2011 में पूछा गया है, यूपीएससी 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आइए आगे हम लोग चलते हैं। यह नदी सियांग एंड फिर दिहांग के नाम से भारत में प्रवेश करती है। जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, दिहांग बहुत फेमस नेम है लेकिन सियांग बहुत कम नाम आता है, इसलिए सियांग और दिहांग गज इसके अंत में लग जाए, नाम याद रखिएगा, इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश की नदी है, ठीक है ना। आगे हम लोग चलते हैं। पासीघाट के निकट, मतलब जो सदिया वाला क्षेत्र है, सदिया और धुबरी वाला, सदिया नगर के पास, धुबरी से पहले सदिया पड़ेगा, ठीक है ना। अगर हम दिखाना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, धुबरी से पहले ये जो है कि सदिया पड़ेगा क्षेत्र ऊपर वाला, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, धुबरी सदिया, सदिया के पास इसकी दो सहायक नदियां, ये है आपका, ये आई और ये जे, ये आपका सदिया, और इधर आओगे आप आगे मिलोगा धुबरी। तो सदिया के पास आकर के क्या करती हैं, दो नदियां, एक का नाम दिबांग और दूसरे का नाम लोय। दिबांग कहाँ से हमने बताया, तिब्बत मिस्मी, और ये कहाँ, जलालू, छू बोलते हैं पर्वत, यहाँ से निकलती है। तो मैप में जाके देख लीजिएगा, यहाँ से जो है कि क्या करती हैं, आकर के मिलती हैं, ये दोनों आकर के प्रमुख नदी में, प्रमुख नदी में आकर मिलती हैं, ठीक है। इसके बाद इसका नाम आगे मैं लिखता हूं, इसके बाद इसका नाम क्या पड़ता है, ब्रह्मपुत्र पड़ता है, कहाँ, असम में, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़े, तो इसके बाद ब्रह्मपुत्र असम घाटी में प्रवेश करती है, क्या करती है, प्रवेश करती है जहां कई सहायक नदियां ब्रह्मपुत्र से मिलती हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा सुबानश्री, अभी मैंने बताया जिया भरेली, बहुत छोटी छोटी नदी हैं, धनश्री चौथा, पुथीमारी बोलते हैं इसको, पुथीमारी पांचवा, पगलादिया और कपिली
और सेवन मानस। मानस में लिख लीजिएगा ये तिब्बत, हिमालय, और इसके बाद सुबानश्री का भी लिख लीजिएगा ये तिब्बत, हिमालय, इसके बाद धनश्री का लोसांग पर्वत, चोटी नागालैंड, यहाँ से। आई थिंक इतने आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, तो प्लीज़ मुझे एक बार बताएं कि हाँ इतना क्लियर हो गया। आप लोग वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, शेयर करेंगे लाइक करेंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है, हमको बहुत अच्छा फील होगा। आप लोग शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। चलिए अगली पॉइंट लिखते हैं हम लोग हैं, कपिली नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और कामरूप नगर इसी तट पर बसा है, ठीक है, कपिली के तट पर बसा हुआ है। अगली पॉइंट, असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है जिसमें मजुली द्वीप जैसे कुछ बड़े 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 नदी द्वीप मिलते हैं, ऐसे लिखिएगा, मिलते हैं। अगला, ब्रह्मपुत्र धुबरी शहर तक पश्चिम की ओर बहती है और इसके बाद गारो पहाड़ियाँ से मुड़कर, लिखवाया हूँ मैं, देख लीजिएगा जा करके, से मुड़कर दक्षिण की ओर क्या करती है, धुबरी गोलापार, मैप में दिखाया हूं, के पास बांग्लादेश में प्रवेश करती है। प्रॉपर नोट्स आप लोग बना लीजिएगा, यहां ब्रह्मपुत्र में तीस्ता नदी आकर मिलती है, आपको पता है तीस्ता किसकी है, तो सिक्किम जेमू ग्लेशियर से, और अंत में यह पद्मा से मिल जाती है। किससे मिल जाती है, पद्मा से मिल जाती है। क्लियर, दो चार लाइन और लिख लो आप लोग, पद्मा नदी मेघना अर्थात मणिपुर में मिलने के बाद मेघना नाम दिया जाता है और गंगा का अंतिम नाम भी क्या है, मेघना, भूलिएगा मत आप लोग, पूछा गया है बार। और फिर क्या करती है वो, बंगाल की खाड़ी में
इसके बाद लिख दो, इसके बाद बंगाल की खाड़ी में भारत गिर जाती है। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए कुछ लिख लेते हैं। बराक नदी बांग्लादेश, और इसी को ध्यान रखिएगा, बराक को मेघना कहा जाता है, बांग्लादेश में तब तक बहती है या बहती रहती है, ऐसे लिखिएगा, रहती है, जब तक कि यहाँ पे एक भैरव बाजार है बांग्लादेश में, भैरव बाजार के निकट गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में इसका विलय नहीं होता, तब तक वो बहती रहती है। समझिए, जब बांग्लादेश में आती है तो भैरव बाजार है, भैरव बाजार में वो तब तक बहती रहती है जब तक भैरव बाजार के निकट गंगा मुंह मिल नहीं जाती आकर के, जब तक गंगा में उसका विलय नहीं होता तब तक वो क्या करती रहती है, बहती रहती है। ठीक है ना? एक लास्ट पॉइंट लिख लो, तीस्ता नदी इसका उद्गम सिक्किम राज्य से चेलामू ग्लेशियर, या बोल सकते हैं चेलामू ग्लेशियर, इसकी ऊंचाई भी है, इसकी ऊंचाई 7,000 मीटर है से अधिक है, ध्यान रखिएगा से होता है, इसी का कभी कभी इसी के बगल में जेमू ग्लेशियर भी है, चेलामू और जेमू, ठीक है, और इसकी सहायक नदी रंगीत है, जो सिक्किम के रंगोत हिमनद से निकलती है। आई थिंक कि आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि हम लोग प्रायद्वीप अपवाह तंत्र, है ना? तो चलिए हम लोग अब दूसरी वीडियो पे आते हैं हम लोग हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर हम लोग मिलते हैं।